नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी दौरों पर जाने वाले हैं। जो राहुल गांधी अक्सर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद विदेशी दौरे पर जाया करते थे, वो राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव से पहले नहीं गए किसी विदेश दौरे पर। लेकिन अब जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, एक बार फिर से वो अमेरिका जाने वाले हैं। आपको याद दिलवा दूं कि जब वो विदेशी धरती पर जाते हैं तो उनका बयान आता है कि देश में कैरोसिन फैला हुआ है और बस चिंगारी लगाने की का इंतजार है। वो कहते हैं कि जातिवाद बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान के भीतर, यूरोप से और अमेरिका से हिंदुस्तान में दखलंदाजी करने की मांग करते हैं, लोकतंत्र को हिंदुस्तान के खतरे में बताते हैं। लेकिन इस बार 99 सीटें आ गई, एलओपी का जो पद है वो भी मिल गया। ले तो ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी के बयान कुछ बदलते हैं या फिर राहुल गांधी उसी लाइन पर चलते हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति को बहुत करीब से जानने वाली नाज़िया इलाही खान आज मेरे साथ मौजूद है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी का बयान कुछ बदलेगा या फिर ऐसा ही उनका रहेगा? और साथ में ये भी बता दीजिएगा करने क्या जा रहे हैं। औपचारिक तौर पर तो देखिए 3 दिन का दौरा है, वो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ अंदर की खबर? मैं विस्तारा से ट्रेवल ज्यादा करती हूँ और विस्तार में राहुल गांधी जी के बारे में बताने के लिए भी बड़ी उत्तेजित रहती हूँ। जी, राहुल गांधी के चाइनीज चचा सैम पित्रोदा ने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये डिटेल्स में बताया है प्रेस को कि 8 सितंबर को राहुल गांधी डलास में रहेंगे अमेरिका के और 9 सितंबर को वो वॉशिंगटन में रहेंगे। डलास में वो एक कॉलेज में स्टूडेंट से वो गौर तालाब करेंगे और वॉशिंगटन में वो भारतीय इंडियन जो वहां पर रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अब 7 ऐसे बयान है राहुल गांधी जी के, जब भी वो बाहर गए हैं उन्होंने बार बार भारत को कोसा है, भारत को बुरा भला कहा है, भारत को सांप्रदायिक कहा है, भारत को बहुत खतरा बताया है और भारत में एक खास समुदाय और एक खास मजहब को बहुत खूबसूरत उन्होंने बताने की कोशिश की है। आप लोगों को याद होगा जब राहुल गांधी जी यूके गए थे मई 2022 में, तब भी उन्होंने कहा था कि अब भारत बहुत बर्बाद होने वाला है क्योंकि जो सरकार वहां पर बैठी हुई है वो भारत को खत्म करने पर बिल्कुल आ पड़ी है। उसके बाद फिर यूके और जर्मनी का दौरा उन्होंने अगस्त 2018 में किया था, तब भी उन्होंने एक ही बात कहा था, अनपेट्रियोटिक बात कहा, और उन्होंने कहा कि भारत में सारे लोगों को, सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को बहुत इज्जत दी जा रही है, लोअर कास्ट के लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जा रही है। हालांकि देखिए अभी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से वो ज्वाइंट है, अलायंस है, और फारूक अब्दुल्ला ने एससी एसटी के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात अपने मैनिफेस्टो में कही है, पर राहुल गांधी इस पर और उनके चाइनीज जो सैम पित्रोदा अंकल है उस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। मलेशिया मार्च 2018, तब भी उन्होंने भारत को कहा था कि भाई पेट्रोल पूरा लगा हुआ है, सिर्फ एक माचिस डालने की देर है, पूरा भारत जल जाएगा। उसके बाद सिंगापुर मार्च 2018, वहां तो उन्होंने ली कॉन यू स्कूल के पब्लिक पॉलिसी सिंगापुर में भी कहा कि भारत में शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और भारत में हिंदू मुस्लिम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फिर यूएस सितंबर 2017 का अगर निकाला जाए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और बर्कली में उन्होंने अपना एक वायलेंस वाला स्पीच दिया और उन्होंने भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रेजेंट किया और भारत में उन्होंने मंदिरों और हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारी बयानबाजी की। ये उनके 7 इंसिडेंट है। अब राहुल गांधी के 123 ऐसी यात्रा है जो देश के सामने कभी आई नहीं, वो गुप्त यात्रा 123 ऐसी यात्रा है जो कभी भी किसी के भी सामने आई नहीं और उन्होंने हमेशा उसको छुपा कर रखा, पर गाहे पगाहे हमने कभी देखा है कि हमारे देश के घर जमाई जो है रॉबर्ट वाड्रा वो 2 घूंट लगा रहे हैं अपनी धर्मपत्नी या अपनी अहलिया प्रियंका वाड्रा के साथ लंदन में, कभी राहुल गांधी जी किसी पब में बैठे रहते हैं लड़कियों के साथ, कभी राहुल गांधी जी गोल्फ देखने जाते हैं कांग्रेस लड़की के साथ, कभी राहुल गांधी जी कुछ मेडिटेशन करते हैं बर्फ और चट्टानों में घुस करके, कभी राहुल गांधी जी नाइट क्लब में देखे जाते हैं। तो
तो ऐसी कुछ कुछ चीजें क्लिपिंग हमारे सामने में आती हैं। यहाँ तक कि कई बार हमने उज्बेकिस्तान वगैरह का इनका जो फॉरेन ट्रिप, गुप्त फॉरेन ट्रिप हुआ था, उसमें हमने राहुल गांधी जी की तस्वीरें देखी थी जो वो एंटी नेशनल लोगों के साथ खड़े थे, जो भारत का बुरा चाहते हैं, जो उज्बेकिस्तान में एक ह्यूमन राइट्स चला रहे हैं भारत के नाम पर, लेकिन भारत में भारत की बुराइयों को बताते हैं और वहां पर बहुत सारे प्रदर्शन करते हैं जिसमें वो भारत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी इनकी तस्वीरें देखी गई थी। हमने ये 123 गुप्त यात्रा जो राहुल गांधी जी का है, इसमें कई बार हमने चाइना के डिप्लोमेट के साथ सोनिया गांधी की तस्वीरें देखी हैं और राहुल गांधी जी की भी तस्वीर देखी है और सोनिया एंटोनियो जी को कई बार वाइन के ग्लास को चीयर्स करते हुए भी हमने देखा है। तो ऐसे गुप्त जो इनके दौरे होते हैं और फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, ये आज से नहीं बल्कि 2012 से लेकर के 2024 तक में बहुत ज्यादा हुआ है। नासिर जी एक मिनट रोकूंगा आपको, 130 दौरे, ये एग्जैक्ट नंबर कैसे आया आपके पास? मैं चैलेंज दे रही हूं कि अगर 123 दौरा नहीं है तो मेरे ऊपर केस करे राहुल गांधी, मैं कोर्ट को साबित कर दूं। सारे 123 या 123 वो जिनकी जानकारी नहीं थी? 123 2012 से 2024 तक में गुप्त यात्रा राहुल गांधी जी ने किया है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं कांग्रेस भवन को चैलेंज कर रही हूँ कि आए केस करें और कोर्ट में साबित करें। और उज्बेकिस्तान से लेकर के चाइना से लेकर के खतर से लेकर के ईरान के एक बेसमेंट में जाकर के किससे किससे मुलाकात हुई थी, वो सारी चीजों पर चर्चा कोर्ट के अंदर हो जाएगी। एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन कौन से तहखाना में ईरान में गए हैं, कौन कौन से चाइना के किस किस बाजार में गए हैं, कहां कहां लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ करके उन्होंने किससे किससे मुलाकात की है, आए ना सामने, बात करते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं ना। जरा देश की जनता को, भारत की जनता को पता तो चले कि आखिर राहुल गांधी कास्ट सेंसस के नाम पर संसद के पटल पर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बॉडी होने के नाते, वो किस तरह से कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू नफरती होते हैं, वो किस तरह से कहते हैं कि इस्लाम में अभय मुद्रा होता है, वो किस तरह से कहते हैं कि मस्जिद कोई भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें वो कहां से बटोर कर ला रहे हैं और मुसलमानों का 72 फिरका का और 58 कास्ट का वो सेंसस नहीं करा करके वो हिंदुओं के कास्ट सेंसस पर सिर्फ बात कर रहे हैं और फोकस करवा रहे हैं। ये मंत्र वो कहां से उठा करके लेकर आए हैं, हिंदुओं को बांटने का, हिंदुओं को काटने का, हिंदुओं को तोड़ने का, हिंदुओं को इस देश से खत्म करने का कहां से मंत्र उन्होंने उठाया है, जरा आए तो सामने, छुपते क्यों है? अच्छा नाजिर जी, इस राजनीति की उम्र कितनी है? मतलब जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति पर हिंदुओं को बांट कर मुस्लिम को एक कर वो राजनीति में आना चाहते हैं, सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वो आखिर कितने दिन तक चल सकती है? अब इसके लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को खोलती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, एक ही मिनट में पूरा इतिहास आपके सामने रख। जी हम लोग गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और देना भी चाहिए, फादर ऑफ नेशन है और हमारे आदरणीय पूजनीय गांधी जी को हम बहुत मानते हैं, लेकिन इतिहास से पता चलता है कि वो बाल्टी और मग्गे से नहाने वाले नहीं थे, वो बाथटब में नहाते थे। गांधी बापू जी को गरीब दिखाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए जाते थे। उसके बाद फिर आते हैं राहुल गांधी जी के नाना अब्बू पर। उनके नाना अब्बू सिगार और सिगरेट के बड़े शौकीन हुआ करते थे। अगर किसी गांव ग्राम में, भारत के किसी गांव ग्राम में अगर सभा करने के लिए जाते थे और सिगरेट और सिगार उनका खत्म हो जाता था तो उसी वक्त आर्मी का फाइटर जेट जाता था और उनका सिगार और सिगरेट विदेश मुल्कों से लेकर के आया जाता था। स्टाइल आइकॉन हुआ करते थे नेहरू साहब, और जिस हिसाब से, जितनी खूबसूरती से नेहरू साहब ने इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए सरदार पटेल जी को उन्होंने पीछे ढकेला और गांधी जी को कन्विंस कर करके, इमोशनल ब्लैकमेल कर करके खुद अपने आप को चेयर पर बैठाया, जब उनके पैरेलल में जिन्ना खड़ा हुआ तो उन्होंने इस देश का विभाजन करना सही समझा और जिन्ना को एक इस्लामिक देश बना करके देना सही समझा। लियाकत के साथ बैठ करके, अबू कलाम आजाद के साथ बैठ करके अंग्रेजों के साथ ऐसे विभाजन किए जिसमें आज भी हिंदुओं को बहुत मरोड़ा गया है, बहुत निचोड़ा गया है।
एक वक्त था जब लिबनान भी बुद्धिस्ट का देश हुआ करता था, एक वक्त था जो पाकिस्तान बना नेहरू और जिन्ना की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, वो भी कभी सिखों का और हिंदुओं का देश हुआ करता था, और ऐसे कई देश है जो हिंदुओं के हुआ करते थे, उसको इस्लामिक बनाने का चरित्र में कहीं ना कहीं गांधी जी और नेहरू जी का बहुत पार्टिसिपेशन है। तो उसी तरीके से जिस हिसाब से कांग्रेस कन्वर्ट हो गई है मुस्लिम लीग में, और जिस हिसाब से कांग्रेस के नेतृत्व में पीएफआई जैसा जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और वक्फ बोर्ड को और जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भारत में पल पसा रहे हैं उसको समर्थन देता है कांग्रेस, आने वाले 10 साल में इस देश को भी विभाजन का दौर एक बार फिर से देखना पड़ेगा, और हिंदुओं को कोई और नहीं मुसलमान आराम से काटेगा, यही स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी जी। मतलब आने वाला वक्त हिंदुस्तान के लिए एक और पार्टीशन लेकर आ सकता है, जिस तरीके से आपने कहा, और राहुल गांधी वैसा चाहते हैं, मुझे एक जब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए, मैं नाजिया इलाही खान, बहुत सारे लोगों को मेरे अब्बा का नाम भी नहीं पता है, मेरी अम्मा का नाम भी नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी जी की पहचान जो है वो गांधी परिवार से है, उनकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। राहुल गांधी जी की अम्मा के शक्ल पर लिखा हुआ है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे ससुर के बाप की जागीर है ये भारत, और मेरा बेटा प्रधानमंत्री कैसे नहीं बन सकता है। तो इस देश का विभाजन करने के बाद फिर से एक बार नेहरू 2.0 बनाया जाएगा, एक बार फिर से राहुल गांधी को वहां पर प्रधानमंत्री बनाने का घोषणा किया जाएगा देश का विभाजन करके, और यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी जी पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर में पटल पर वो बार बार हिंदुओं को नफरती और बार बार हिंदुओं को मलाई करते हैं, और ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं जिसमें मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ खड़े हो और एक विभाजन फिर से हो जाए जो नेहरू ने किया था चेयर पर बैठने के लिए प्रधानमंत्री। लेकिन नाजिया जी, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। राहुल गांधी की राजनीति को लोग समझते हैं। अच्छा, बहुत समझते हैं। तो फिर कितने FIR हुए जब उन्होंने कहा कि इस्लाम में अभय मुद्रा होता है, सिर्फ मैंने PIL किया है। तो फिर कितने FIR हुए राहुल गांधी के ऊपर जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक और नफरती कहा, बताइए मुझे कुछ ऐसे FIR के कुछ सैंपल्स दिखाइए, मुझे दिखाइए ना। सिर्फ की बारात उन्होंने निकाला था, कितने FIR हुए। मुझे लगता है कि इस देश में अगर थोड़ा बहुत भी, मैं मान लेती हूँ 5 लाख FIR तो हुआ होगा, उसमें से 5 ही FIR मुझे दिखा दीजिए ना, सिर्फ 5 दिखा दीजिए। जब उन्होंने शिव जी को कह दिया कि शिव की बारात में हम गए थे, नाचे थे, विभाजन की नाचे, मैं विभाजन की बात कर रहा था, विभाजन जो 47 में हुआ वो अब होना मुमकिन नहीं नजर आता। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों मुमकिन नहीं नजर आता है। आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे क्या? क्यों मुमकिन नहीं नजर आ रहा है आपको? मुमकिन ही मुमकिन है, क्योंकि हिंदू अपने आप में सोया हुआ है भाई, उनको वही चीज समझ में आ रहा है। मोदी जी ने बोल दिया, हमने ऐलान कर दिया 400 पार होगा, वोट डालने की जरूरत क्या है, 400 पार तो हो ही रहा है। जो सियालकोट में हुआ हिंदू गए नहीं वोट डालने के लिए, मुसलमान सैलाब बन करके वहां पर वोट डाले, यही भारत के मुसलमानों ने वोट दिया, और सियालकोट पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया। जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट डाला, वो मुसलमान का आधा परिवार फिर से भारत में रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उसको फिर से इसको तोड़ना था, और फिर से इसको इसमें से एक और हिस्सा इस्लामिक कंट्री का निकालना था। आप कैसे कह रहे हैं कि अब मुमकिन नहीं है? बताइए ना कितने हिंदू जागे हुए हैं, मुझे बताइए, आंकड़ा बता दीजिए कि कितने हिंदू जागे हुए। रोज उनको अनभक्त कहा जाता है, रोज हिंदुओं को गोबर भक्त कहा जाता है। कितने FIR करते हैं? कब कब गए सुप्रीम कोर्ट? कब कब पूछे कि भाई मुझे क्यों गालियां पड़ती हैं मेरे ही देश में, मैं कहां जाऊं, मुझे गोबर भक्त क्यों कहा जाता है, मुझे अनभक्त क्यों कहा जाता है? कौन सा हिंदू आया, कौन सा न्यायपालिका में जाकर के उन लोगों ने प्रोटेस्ट दिखाया कि मुझे अगर कोई भी कहेगा उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाए? ब्रिटेन में 24 मस्जिदें तोड़ दी गई है। क्यों तोड़ी गई? क्योंकि वहां से हेट्रेड स्पीच निकल रहा था, और जब इंक्वायरी बैठी तो पता चला कि वहां पर पाकिस्तानी उसको कैप्चर कर चुके थे 24 मस्जिदों को, और मस्जिद से वो कन्वर्शन करवा रहे थे, और मस्जिद के अंदर से वो इस्लाम की और तबलीग का वो नारा दे रहे थे, और ब्रिटेन के लोगों को ही मारने काटने रेप करने का साजिश बना रहे थे। जैसे ही ब्रिटेन की पुलिस को पता चला, जैसे ही वहां की
जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनको पता चला, उन्होंने सीधा मस्जिदों को तोड़वा दिया और सबको 24 साल के लिए 24 साल के लिए सजाए मुशक्कत में जेल में डलवा दिया। अब बताइए क्या ऐसा भारत में हो रहा है? यहाँ तो कानून अगर आप कठोर बनाने के लिए चले जाए तो आपको हिंदुओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो आपने प्रयागराज में देखा कि मदरसे के अंदर मौलवी साहब, इमाम साहब खुद जाली नोट छाप रहे थे, अभी तो देखा गया। हमेशा गाये बघाये हम लोग हेट्रेड स्पीच सुनते हैं मौलवी मुल्लाओं से, लेकिन कोई कोई उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, मदनी साहब खुलकर बोलते हैं राहुल गांधी के बारे में कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर इस बार बहुत समझदारी भरा फैसला लिया, तो नाजर जी की बात को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि हम आज भी हिंदू, इस देश का 100 करोड़ हिंदू जिसे कहा जाता है, वो आज भी नहीं जागा है, वो आज भी सोया हुआ है। ये सवाल खुद से करने की जरूरत है और जवाब भी खुद ही को देने की जरूरत है। नाजिया जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।